नमस्ते, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल तड़का विद फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। इसके लिए आपको चाहिए एक कप अरहर की दाल, 2 से 3 कप पानी, हल्दी और थोड़ा नमक। इस कुकर को गैस पे 10 से 15 मिनट के लिए चढ़ा दीजिए। अब दूसरी साइड में एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून आप फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून जीरा डालिए, उसमें 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, 2 हीप टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट और थोड़ी सी हींग। यहाँ पे देख रहे हैं आप, थोड़ी सी हींग, हींग का बहुत पंजन टेस्ट होता है। 1 टीस्पून हल्दी, इसको अच्छे से मिला लीजिए। 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर और उसमें थोड़ा सा आप 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून आपको चाहिए धनिया पाउडर, थोड़ा नमक, इसको अच्छे से आप मिला लीजिए जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला। इसमें आपकी जो गली हुई दाल है उसको आप डालिए, थोड़ा पानी अगर आपको और डालना है डाल सकते हैं, लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला है। अब बघार डालने के लिए थोड़ा घी लीजिए, उसमें छोटा छोटा कटा हुआ गार्लिक, सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी ऑयल और लाल मिर्च पाउडर मैंने डाली है। इसको जो आपकी दाल बन गई है उस पर डाल दीजिए और गार्निश करने के लिए मैंने लास्ट में छोटा छोटा धनिया कटा हुआ डाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा एकदम बढ़िया बघार वाली दाल तड़का तैयार है विथ फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। इसको आप चपाती के साथ, परांठे के साथ या फिर सिर्फ चावल के साथ एंजॉय करिए। That's about it. Happy cooking.